नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे आज के पठन पाठन का विषय है कामायनी का चिंता सर्ग भाग 5। इस भाग 5 के अंतर्गत हमने 2 पद्यांश लिए हैं जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आज हम इन 2 पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इन दोनों पद्यांशों का सस्वर वाचन। मनु की शारीरिक बाह्याकृति एवं मनोदशा का वर्णन है। कवि अपने प्रतिभा के अनुसार उनका वर्णन कर रहा है और कह रहा है, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित था वीर्य अपार। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित था वीर्य अपार। स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का जिनमें होता था संचार। स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का जिनमें होता था संचार। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत। उधर उपेक्षा मय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। उधर उपेक्षा मय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। आइए इसके पश्चात हमें इस पद्यांश से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं। अवयव का अर्थ है अंग से, दृढ़ का अर्थ है सुगठित, ऊर्जस्वित का अर्थ है शक्ति से युक्त, वीर्य शब्द का अर्थ है यहाँ बल अथवा ओज से, अपार का अर्थ है असीम से, स्फीत का अर्थ है मोटी अथवा उभरी हुई से, शिराएं का अर्थ है रक्त की नाड़ियां अर्थात जिनमें रक्त प्रवाहित होता है बहता है, कातर का अर्थ है व्याकुल अथवा अधीर, वदन शब्द का अर्थ है मुख से। ये ध्यान रखें, वदन है बदन नहीं है। पौरुष का अर्थ है पुरुषोचित शौर्य से अथवा वीरत्व से। ओतप्रोत शब्द का अर्थ है नस नस में व्याप्त अथवा भरपूर। उधर शब्द का अर्थ है दूसरी ओर, और दूसरी ओर से भी यदि अन्य अर्थ लिया जाए तो वह है मन अंतर्मन अथवा हृदय से। उपेक्षामय का अर्थ है तिरस्कृत, इसका लक्ष्यार्थ लिया गया है। मधुमय का अर्थ है, मधुमय शब्द मधु शब्द शहद शब्द से बना है, प्रकारांतर से इसका अर्थ लिया गया है मधुर रागात्मक मादक। और स्रोत का अर्थ है प्रवाह अथवा धारा से। ये हो गए कठिन शब्द। प्रसंग के अंतर्गत कवि ग्रंथ एवं संदर्भ। कवि हैं इस पद्यांश के जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ। ग्रंथ है कामायनी और कामायनी का चिंता सर्ग। संदर्भ क्या है कि कवि द्वारा प्रलय की विनाश लीला से बचकर हिमालय के शिखर पर बैठे हुए, हिमालय के शिखर पर यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर नहीं, हिमालय के किसी शिखर पर बैठे हुए चिंतित मनु का चित्रण किया गया है। मनु का चित्रण किया गया है, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित था वीर्य अपार। मनु का वर्णन है, क्योंकि मनु का नाम अभी तक कवि के द्वारा कहीं ना तो संकेतित किया गया है ना लिया गया है, इसलिए पुरुष के संबोधन से ही काम चलाएंगे हम लोग। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, कि उस पुरुष का शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट था, उसके अंगों की मांसपेशियां बहुत ही सुगठित थीं, जो उसके अपरिमित ओज असीमित बल तथा पराक्रम का संकेत कर रही थीं। भावार्थ,
कि उसके शारीरिक गठन से ज्ञात होता था कि वह पुरुष असीमित बल और पराक्रम का स्वामी है। स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। उस पुरुष के शरीर की नसें उभरी हुई थीं, मोटी थीं, और उन शिराओं में, उन नसों में, उन धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा था। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत। उस पुरुष का अंग अंग पुरुषोचित शौर्य से परिपूर्ण था, किंतु जल प्लावन जनित या प्रलय जनित विषम परिस्थिति के फलस्वरूप उसके मुख पर, मुखमंडल पर चिंता, हताशा और अधीरता की छाया झलक रही थी। उधर उपेक्षा मय यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। दूसरी ओर अगर दूसरा पक्ष देखें कि उनकी मनोदशा, तो उनके अंतर में, उनके मन में युवावस्था के अनुरूप मधुर, सुखद एवं मादक भावों का स्रोत या मादक भावों की धारा बह रही थी। परंतु वह व्यक्ति उन यौवन सहज भावनाओं के प्रति उपेक्षा में था, उदासीन था। क्यों? क्योंकि अंधकार में भविष्य की चिंता ने, उसकी व्यथा ने उसे आक्रांत कर रखा था, भयभीत कर रखा था। ये हो गई इसकी व्याख्या। व्याख्या के पश्चात हम इस पद्यांश में, इन दोनों पद्यांशों में आए विशेष बातों का अध्ययन करेंगे। पहली जो विशेष बात है वह हम लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में मनु के अवयवों की संपुष्टता के अभिधान द्वारा, वर्णन द्वारा कवि ने मनु के शारीरिक आकर्षण और बल का निर्देश किया है। अर्थात मनु के शारीरिक वर्णन के द्वारा कवि संकेत करना चाहता है कि मनु शारीरिक रूप से आकर्षित करने में योग्य हैं, सर्वथा सक्षम हैं और वह बलशाली भी हैं। दूसरा तथ्य हम लिख सकते हैं कि इसमें खड़ी बोली के कवि, आधुनिक कवि प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने मनु का जो चित्रण किया है, उनके व्यक्तित्व का, मनु के व्यक्तित्व का वह चित्रण भारतीय महाकाव्य के नायकोचित गुणों के अनुरूप है। अर्थात भारतीय महाकाव्यों में नायक को जिन गुणों से विभूषित बताया गया है, उन्हीं गुणों की अनुपालना, उन्हीं गुणों की उपस्थिति प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में और अपने नायक मनु में बताई है। आपने भी भारतीय महाकाव्य पढ़ा होगा तो उसमें कई बार नायक के लक्षण आते हैं, जिसमें कभी कभार ये पंक्ति भी आपने सुन रखी हो संभवतः, कि वृषभ कंध के हरि ठवनी बलनिधि बाहु विशाल, व्यूढ़ो रस को वृषभ कंध है, शाल प्रांशुर महाभुजय, आत्म कर्मक्षमम देहम क्षात्रो धर्म इवाश्रित है। तो ये संस्कृत काव्य शास्त्र से भारतीय जो महाकाव्य है हिंदी का, उसमें से लक्षण लिए गए हैं, उन्हीं का निर्देश है। अगले विशेष बात पर चलते हैं। पौरुष व कातरता और दूसरी ओर मधुर भावधारा और उसके प्रति उपेक्षा, ये दोनों परस्पर विषम स्थितियां हैं, विषम भाव हैं। जो जिसमें पौरुष होता है, पुरुषोचित शौर्य होता है, वह कातर नहीं होता है, व्याकुल या अधीर नहीं होता है। और जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के मन में या हृदय में मधुर भावधारा है, ये मधुर भाव विद्यमान है, वह उनके प्रति उपेक्षा में नहीं हो सकता है, वह उनकी अनदेखा, उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता है। किंतु यहाँ कवि ने वर्णन किया है तो इसके कारण काव्य उक्ति में या काव्य में चमत्कार आ गया है। पौरुष व कातरता तथा मधुर भावधारा व उसके प्रति उपेक्षा, इस विषमता का निरूपण करके कवि ने मनु के अंतः संघर्ष और अधीरता की व्यंजना भी की है कि मनु के मन में भी प्रलय के कारण परस्पर विरोधी भाव एक जगह आ जाते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं।
चौथी बात जो हम है वो लिख सकते हैं कि शारीरिक गठन के यथार्थ चित्रण में स्वभावोक्ति अलंकार विद्यमान है। स्वभावोक्ति अलंकार कहाँ विद्यमान होता है? जहाँ बालक, पुरुष, नारी आदि की स्वाभाविक या वस्तु से संबंधित स्वाभाविक क्रियाओं का या स्वाभाविक लक्षणों का वर्णन किया जाता है, सहज वर्णन किया जाता है, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार विद्यमान हो जाता है। और दूसरा अलंकार कि कवि ने प्रकारांतर से मनु के ओजस्वी व्यक्तित्व के भंगिमा विशिष्ट वर्णन में, कवि ने ओजस्वी व्यक्तित्व का या उसकी भंगिमा विशिष्ट का वर्णन किया है। कवि की मनु की विशिष्टताओं के साथ, विशिष्ट भंगिमाओं के साथ उस वर्णन को उपस्थित किया है। इस कारण यहाँ पर्यायोक्ति अलंकार विद्यमान हो जाएगा। अगर आपको स्मरण हो तो जहाँ विवक्षित अर्थ को सीधे साधे ढंग से न कहकर भिन्न प्रकार से या चमत्कारपूर्ण ढंग से अगर व्यक्त किया जाता है तो वहाँ पर्यायोक्ति अलंकार माना जाता है। पर्याय का अर्थ होता है प्रकार, अभिष्ट अर्थ यानी कवि जिस अर्थ को उत्पन्न करना चाहता है, जिस अर्थ को संप्रेषित करना चाहता है, उसका प्रकारांतर या व्यंजनावृत्ति के द्वारा कथन करना ही पर्यायोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ भी कवि ने विभिन्न अंगों के वर्णन के द्वारा और विभिन्न प्रकार के भावों के वर्णन के द्वारा ये सिद्ध करना चाहा है कि मनु स्वस्थ हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, उनमें ओज भी है, वीरत्व भी है, पुरुषोचित शौर्य भी है, और किंतु साथ ही चिंता उनके मुखमंडल पर विद्यमान है, उनके अंदर मधुमेह स्रोत है, मधुर भावों की जो धारा है वह बह रही है किंतु उनके प्रति उपेक्षा है, इसके द्वारा वह उनकी मनोदशा का संकेत करते हैं। तो यहाँ पर्यायोक्ति अलंकार, चिंता कातर वदन में विशेषण विपर्यय अलंकार विद्यमान है। विशेषण विपर्यय संभवतः आपको याद हो कि जहाँ पर विशेषण शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि उन्हें उनके उचित स्थान से हटाकर, कि जहाँ विशेषण आना चाहिए उस स्थान से हटाकर विशेषण को किसी अन्य स्थान पर यदि रख दिया जाए तो वहाँ विशेषण विपर्यय अलंकार मान लिया जाता है। विपर्यय का अर्थ यही होता है कि स्थान परिवर्तन। आमतौर से ये भी देखा जाता है कि कई बार मूर्त विशेष्य के विशेषण को अमूर्त का विशेषण बना दिया जाता है, वो भी विशेषण विपर्यय के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ भी वदन से पहले चिंता कातर लगाकर विशेषण विपर्यय अलंकार हो गया है, क्योंकि जो अचेतन मूर्छित सा वदन है वह न तो चिंता कर सकता है और ना ही वह कातर हो सकता है। चिंतन व कातरत्व या कातरता ये चेतन के धर्म है, इसलिए यहाँ विशेषण विपर्यय अलंकार विद्यमान हो जाएगा। और शेष पद्यांश में आपके अनुप्रास अलंकार विद्यमान हो जाएगा। तो ये विशेष अलंकार है, संभवतः पहले आपने कम सुने होंगे, स्वभावोक्ति से आप परिचित है, लेकिन पर्यायोक्ति अलंकार बहुत कम आता है, विशेषण विपर्यय अलंकार बहुत सुनने में कम मिलता है। तो समस्त पद्यांश में अंत्यानुप्रास विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं। अगली बात जो हम लिख सकते हैं वह है मधुमेह स्रोत। मधुमेह स्रोत में वाच्यार्थ बाधित है। क्यों? क्योंकि मधुर भावों से युक्त या शहद के समान जो मीठी धारा है वह तो कोई विद्यमान है नहीं। इसके माध्यम से कवि जो कथ्य अभिव्यक्त करना चाहता है वह लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा करना चाहता है। वह कहना चाहता है कि मनु के हृदय में मधुर एवं मादक भाव निरंतर उठ रहे थे, तो इस कारण इसमें वाच्यार्थ बाधित हो गया और लक्ष्यार्थ हो गया। ये थी विशेष बातें इस पद्यांश से संबंधित। और अब आप अपना गृह कार्य अंकित कर लीजिए। आज का गृह कार्य बहुत साधारण सा है कि मनु के शारीरिक गठन के यथार्थ चित्रण में कौन सा अलंकार विद्यमान है, आपको उस अलंकार का नाम लिखना है। आज के कलांश में बस इतना ही। आप सब लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, समझा व कुछ सीखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।